इस वक्त जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, वो ईरान से मुतालिक है कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। सैकड़ों मिसाइल जो है वो दागे गए हैं ईरान की तरफ से, 150 के करीब मिसाइल मारे हैं, जो लगा एक भी नहीं, रॉकेट मारे। मैं वेरी इंप्रेस बाई नेतन्याहू, आई एम वेरी इंप्रेस बाय द इजराइल्स ऑपरेशन, द वे दे आर ऑपरेटिंग इट। दुनिया में पहला आर्मी चीफ, इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट किया। सप्लाई टू हंगेरियन कंपनी, हंगेरियन कंपनी देयर आफ्टर गिविंग इट टू देम। द शेल कंपनी व्हिच हैज बीन क्रिएटेड इज समथिंग व्हिच इज अ मास्टर स्ट्रोक बाय इजराइलीज, एंड फॉर दैट इट रिक्वायर्स इयर्स एंड इयर्स ऑफ प्रिपरेशन। उन्होंने कहा कि इसराइल ने जिस तरह से पेजर अटैक की प्लानिंग की और एक के बाद एक हमास, हिजबुल्ला और ईरान की जो लीडरशिप है उसको उड़ाया, उसकी उन्होंने स्ट्रैटेजी की बहुत ज्यादा खुलके तारीफ की। इस ब्रिगेडियर साहब, ताजा तरीन इतला आ रही है, बेरूत में भी सायरन बजा दिए गए हैं। इट सीम्स इसराइल विल काउंटर अटैक, इसराइल का काउंटर अटैक शायद उसका आगाज होने लगा है। क्या हमें डरना चाहिए इस बात से, कर क्या रहे हम? जी बहुत ज्यादा डरना चाहिए। तो ये तो फिर इवन फॉर पाकिस्तान दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस डेवलपमेंट, क्योंकि ईरान तो हमारा नेक्स्ट डोर, वी हैव कॉमन बॉर्डर। तो ईरान में अगर इसराइली स्ट्राइक करते हैं तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट पाकिस्तान पे तो आएगा ना, फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि रीजन में हालात तो फिर बहुत खराब हो जाएंगे। शामी साहब, मैं समझता हूँ ये सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत जो है ये मुस्लिम दुनिया के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए सबसे बड़ा सानिया है और सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो भी एक मर्द मुजाहिद थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APGAN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय इसराइल और फिलिस्तीन के झगड़े के बीच इसराइल ने जो टैक्टिक्स अपनाया है, जो टेक्नोलॉजी अपनाया है दहशतगर्दों को मारने के लिए, वो अपने आप में नया है, जिसके बारे में भारतीय आर्मी चीफ ने भी बात की। तो यहीं आपको पता है कि इससे पहले मोदी जी ने नेतन्याहू से बात की, इसकी खूब सारी चर्चा हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में। लेकिन इसी के साथ साथ अभी जो लेटेस्ट हैपनिंग हो रही है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है, जिसमें ईरान ने इसराइल के ऊपर ढेर सारी मिसाइलें मारी है। हालांकि रिपोर्ट ये बता रही है कि इसराइल को उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी न सिर्फ ईरान के तेहरान यानी कैपिटल में इसका जश्न मनाया जा रहा है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया है, और उसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी मीडिया भी खूब इसका जश्न मना रही है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन यही पाकिस्तानी मीडिया मातम मनाना शुरू कर देती है जब इसराइल जवाबी कार्रवाई करता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसराइल जो कार्रवाई करता है उससे उसका रिजल्ट भी मिलता है, क्योंकि इसराइल की कार्रवाई के पीछे उसकी टेक्नोलॉजी होती है। इसराइल को अपनी रक्षा करने का दबाव होता है, न कि पाकिस्तानियों की तरह जज्बे में आके या दिखावे के लिए फिर अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए हमला करते हैं। साहब, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आज ईरान ने दोबारा इसराइल पे हमला कर दिया, और लगता यह है कि ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि उसकी जो प्रॉक्सीज हैं उसके ऊपर पैदर पे इसराइल हमले कर रहा है और ईरान कुछ भी नहीं कर रहा। फिर लेबनान पे भी हमला कर दिया। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट? साहब, मैं सारी चीजों को एनालिसिस करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त जो है वो लेबनान की सिचुएशन सामने है। आज जो बैलिस्टिक मिसाइल से पहले बाबा जी ने, हमारे बाबा बाइडन तो खुद बयान नहीं देते, जाहिर है किसी ने लिखा होगा, तो उनके तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया वो विल प्रोटेक्ट इजराइल। लेकिन उसमें जो मेरा क्वेश्चन है, क्या दुनिया पुरअमन रह पाएगी? दूसरी तरफ मेरा क्वेश्चन है, 20 दिनों के पिछले, उन्होंने 20 के करीब हिजबुल्ला के लीडर और हमास के मारे जा चुके हैं पिछले दिनों में, उसको भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा कि किस तरह कामयाब हुए, किस तरीके से इसराइल हनी ट्रैप करता है, किस तरीके से हमारे लोग हैं वो उनको फंसाते हैं, पैसे देते हैं। यूनिट 82 है कि इसराइल का जो मुसलसल काम करता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर के जरिए सारे मारे गए हैं। 150 के करीब हिजबुल्ला ने मिसाइल मारे हैं, जो लगा एक भी नहीं, रॉकेट मारे। और फिर मैं ये भी ये बताना चाहूंगा कि आज आपके पेजर के जरिए आप क्यों मर रहे हैं, आप क्यों चींटियों की तरह मारे जा रहे हैं, क्योंकि इन कंट्रीज में एम्बार्गो और गुर्बत की वजह से लोग बिक जाते हैं। किस तरीके से इसराइल का जो यूनिट 82 है, 8200 है, वो किस तरीके से एयर होस्टसों को उन्होंने हनी ट्रैप में यूज करते हैं इनकी मूवमेंट को स्टडी करने के। फिर किस तरीके से उन्होंने पेजर का मंसूबा बनाया था, उसमें एक सुना है नॉर्वेजियन बॉर्न इंडियन भी है, वो इंडिया में बॉर्न हुआ था लेकिन इज अ नॉर्वेजियन सिटीजन, बुल्गारिया के अंदर उसने शेल कंपनी बनाई थी, और किस तरीके से उन्होंने, मैं देखिए दो चीजें, इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, मेरे लिए बिल्कुल ये इसी तरह है जिस तरह आप एक एक्शन मूवी देख रहे हैं कि किस तरीके से दे ऑपरेटेड। मैं आज इसी मौके पर, जब मैं, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय नेतन्याहू, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय
the Israel's operation the way they are operating it. Bibi Netanyahu ka career maine padha badi detail ke saath, very remarkable. Shining armor hai sari zindagi us bande ka. A committed, very patriotic Jew. It's worth reading, worth studying. दुनिया में पहला आर्मी चीफ इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट किया. अप्लाई टू हंगेरियन कंपनी, हंगेरियन कंपनी देयर आफ्टर गिविंग इट टू देम. द शेल कंपनी व्हिच हैज बीन क्रिएटेड इज समथिंग व्हिच इज अ मास्टर स्ट्रोक बाय इजराइलीज एंड फॉर दैट इट रिक्वायर्स इयर्स एंड इयर्स ऑफ प्रिपरेशन. उन्होंने कहा कि इसराइल ने जिस तरह से पेजर अटैक की प्लानिंग की और एक के बाद एक हमास, हिजबुल्ला और ईरान की जो लीडरशिप है उसको उड़ाया, उसकी उन्होंने स्ट्रैटेजी की बहुत ज्यादा खुल के तारीफ की. इंडिया के अगर आर्मी चीफ की बात करें, इंडियन फोर्स की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो वो स्ट्रांगली जो है इसराइल के साथ खड़ी हुई है. और इसराइल जो है इस वक्त लिबनान के अंदर दाखिल हो चुका है और उनका ये मानना है कि लिबनान के अंदर जो है हिजबुल्ला की लीडरशिप मौजूद है जिसको वो अपनी प्लानिंग के तहत, मुसाद के तहत बारी बारी जो है खत्म दिखाई दे रहे हैं. इस वक्त इसराइल को सपोर्ट करना है क्योंकि हमने देखा है इंडिया कभी भी दूसरे मुद्दे में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन इसराइल को ओपनली सपोर्ट करना, इंडिया के आर्मी चीफ का आना और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की तारीफ करना कि वाह क्या प्लानिंग की है इन्होंने हिजबुल्ला की लीडरशिप को खत्म करने के लिए, तो ये चीजें इसराइल को और सपोर्ट करेंगे. देखिये दुनिया की दो स्ट्रांग अगर बात करें GDP, एक अमेरिका और दूसरा इंडिया, जब दोनों आपकी पुष्ट पनाही कर रही हैं, जब दोनों आपके पीछे खड़ी हैं और इसराइल भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है, इंडिया बड़ी इकोनॉमी, अमेरिका, ये तीनों मिलके जो भी प्लानिंग करें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जो अब देखें कि इंडिया का सपोर्ट करना, 140 करोड़ बंदे जब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई इसराइल को तो जाहिर सी बात है हिम्मत मिलेगी, उनको तो हौसला मिलेगा कि भाई हम जाके दुनिया में किसी भी जगह अटैक कर सकते हैं. और उनके पास सलाहियत भी है, उनके पास कैपेबिलिटी भी है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है. शर्म हमें आनी चाहिए, हमने आगे तरक्की नहीं की. जैसे अगर बात करें ईरान ने वापस मिसाइल्स दागे इसराइल के ऊपर, लेकिन भाई उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया. हाँ. एक भी वहां पे हमें कोई बंदा मरता हुआ नजर नहीं आया. लेकिन अब बात यह है कि जब ईरान पे वो वापस चीज आएगी तो ईरान कैसे बचेगा. हाँ, ईरान ने 180 to 200 मिसाइल्स लॉन्च किए हैं इसराइल पर, लेकिन अब इस हमले के बाद इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान को इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी. ईरान का ये कहना है कि उसने इसराइल के कुछ बहुत सिग्निफिकेंट जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जिसमें कि हवाई अड्डा है और इसके अलावा वहाँ की बेस है, मिलिट्री बेस है, जिसको निशाना बनाया है, लेकिन इसका फर्क कुछ नहीं पड़ा. इजरायली फोर्सेस का भी ये स्टेटमेंट आई है और इसराइल की तरफ से कहा गया है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, यानी किसी का बाल भी भीखा नहीं हो सका ईरान के इस हमले के बाद. जो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, कहा गया कि तल अबीब में आवाज़ें गूंजी, उन इसराइल ने अपने तमाम लोग जो हैं उन्हें ज़ेर ज़मीन जाने का हुक्म दे दिया. मशरक़ वस्ती की सूरत हाल किस हद तक गंभीर होती जा रही है.